भागलपुर में विद्युतीकरण का काम में जो भी डिले हुआ है, यहाँ पे 24 तारीख से चलने वाले थे गाड़ियों का प्रचार में कुछ और देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोहरीकरण के समय जो इंटरलॉकिंग की गई थी, ये कहलगांव की तरफ जाती हुई दो ट्रैक, एक अप लाइन एक डाउन लाइन, तो उस समय यहाँ पे एक और लाइन था जो यार्ड जाता था, उसको हटा लिया गया है। और जिस समय विद्युतीकरण का काम हुआ था उस समय उस पुरानी ट्रैक के हिसाब से वायर को लगा दिया गया था, पोल्स को लगाया गया था, जिस कारण से अभी कोई अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आएगी तो वो लोको चेंज जो करने के लिए डीजल लोको को लगाया जाएगा, फिर ही लोको चेंज हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रैक जा रहा है उससे वायर साइड हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं कि वो साइड वायर यहाँ जाके लॉक हो गया है, जबकि आगे जहाँ पे इंटरचेंजिंग पॉइंट है वहाँ पे कोई ब्रैकेट्स ऊपर नहीं लगे हुए हैं पोल्स पे, जिस कारण से वायरिंग वहाँ पे कुछ नहीं की गई है। इस कारण से फ़िलहाल के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन से जो भागलपुर को भी फ़िलहाल फ़ायदा नहीं मिल पाया है, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, और जल्दी यहाँ से जो 7 गाड़ियों का नाम लिया गया है, विक्रमशिला, अमरनाथ एक्सप्रेस, भागलपुर नई दिल्ली सुपरफास्ट, यशवंतपुर एक्सप्रेस, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी, भागलपुर मुजफ्फरपुर, इन सभी ट्रेनों को जल्द से जल्द इसका लाभ प्राप्त होगा। बाकी कोई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आप देख सकते हैं, और बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6 से जो लाइन आ रही है उसमें विद्युतीकरण का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें गाड़ियाँ आ सकती हैं जा सकती हैं, पर फिलहाल के लिए तो ये स्थगित कर दिया गया है। मालदा डिवीज़न जल्दी इस से हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कोई निर्णय ले और भागलपुर के यात्रियों को इलेक्ट्रिक इंजन पे चलने का आनंद प्राप्त हो, कि जल्द से जल्द वो अपने गंतव्य को पहुंच सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब